Hello everyone. It's time, so I think we should start. Is my PPT visible to everyone? You can reply in the chat box. Okay, so let's begin with the session on career guidance. So today we are going to deal with a very burning topic, career guidance, and we will understand why is it so necessary to deal with it in today's world. बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को गाइडेंस की अपने करियर में. और टीचर्स का क्या पार्ट है, वी एज पार्ट ऑफ सीबीएसई स्कूल्स, हमारा क्या पार्ट है कि हमें ये इस चीज को समझना चाहिए कि व्हेन एक्चुअली वी हैव टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ गाइडेंस टू आवर स्टूडेंट्स. बिफोर बिगनिंग द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग. दोनों एक ही आधार पर बनते हैं, बट हमें डिफरेंस पता होना चाहिए सो दैट हमें ये पता हो कि बच्चे को एग्जैक्टली हमें प्रोवाइड क्या करना है. उसको गाइड करना है, सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है या उसको काउंसलिंग की जरूरत है. तो इस बारीकी की जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए एज टीचर्स. सो ये एक इतना एसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये बच्चों को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करता है, अपने करियर पाथ्स को चुनने में, और उनको उनकी मदद करता है कि उनके अंदर जो भी यूनिकनेस है, जो भी एबिलिटी है, पोटेंशियल है, वो मैक्सिमम लेवल पर वो निकल कर आ सके और वो अपनी जिंदगी में प्रोफेशनल एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन से वो अपनी लाइफ को व्यतीत करें. जो भी प्रोफेशन वो चुनते हैं उसमें वो खुश हों, उनको लगे कि जो उनके अंदर जो एप्टीट्यूड था, स्किल था, जो उनकी इंटेलिजेंस थी, जिस चीज के लिए वो बने थे, जो उनकी कॉलिंग थी, उसी पे वो काम कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई चीज फोर्स्ड नहीं है, जो हम लोग कहते हैं बाई चांस और बाई चॉइस. तो बिल्कुल एक सोचा समझा अपने स्किल पे बेस्ड डिसीजन लेने की उनके अंदर क्षमता हो. सो हमारा आज का सेशन इसी टॉपिक पे आधारित है. सो जब बच्चा 9th 10th में आता है, एक ऐसे पॉइंट पर आता है जहां पे उसको अब लाइफ में डिसीजन लेना होता है कि व्हाट एग्जैक्टली डज ही वांट, तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा कोर्स लेना है, क्या फी उसकी बहुत ज्यादा है, फी कम है, इतनी फी है कि उसे कोई एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा, क्या उसकी फैमिली सक्षम होगी वो लोन लेने में, या उस इतना एक्सपेंसिव कोर्स है क्या उसको करना चाहिए, इज इट वर्थ इट, क्या ऐसा तो नहीं होगा आगे जाके उसको पछताना पड़ेगा, जो जॉब वो ले जो करियर वो लेना चाह रहा है क्या उसमें जॉब्स अवेलेबल हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि आज से 5 साल के बाद जब वो कोर्स खत्म हो तो वो जॉब ही ऑब्सोलीट हो जाएगी. तो ये और उसका फ्यूचर कैसा होगा अगर वो इस करियर को चूज करता है. तो ये सारे क्वेश्चन मार्क्स बच्चों के माइंड पे लगे रहते हैं और बच्चे इस टाइम पे बहुत वल्नरेबल स्टेज से गुजरते हैं क्योंकि उनके ऊपर पीयर प्रेशर होता है. ये बच्चे किस क्लास के होते हैं, 9th 10th 11th के होते हैं, तो उनको वो वल्नरेबिलिटी उनकी बायोलॉजिकल होती है, पीयर प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है. तो इनके लिए ये टाइम ऐसे भी बहुत टफ होता है और इस टाइम पर इस तरीके का डिसीजन लेना जिसपे उनकी पूरी जिंदगी आधारित है उनके लिए जरूर टफ होता है. इसीलिए सीबीएसई ने रियलाइज किया कि करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि बच्चे सही चीज करें और अपने पोटेंशियल के हिसाब से किसी चीज को चुने ताकि वो एक्सेल कर पाए उस पर. कोई भी चीज जो फोर्स्ड हमारे ऊपर होती है, हमें जबरदस्ती कराई जाती है, वो एक्सेल लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसमें नहीं होते हैं, भले शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स उसमें मिल भी जाएं. सीबीएसई ने रियलाइज किया है इस बात को, इसीलिए करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है इस करिकुलम में, इस पूरे फ्रेमवर्क में इसको एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग दी है जहाँ पे हमें बच्चे को करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग जरूर बताई जाए ताकि बच्चे एक सेटिस्फाइड खुश जिंदगी जिए और कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग. नाउ बिफोर बिगनिंग द सेशन आई सेड दैट आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि व्हाट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन अ करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग. बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली करियर इज, करियर का डेफिनेशन क्या है. तो करियर इज डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज यू प्रोफेशनली, एनी ट्रेड दैट यू डू, एनी प्रोफेशन दैट यू टेक एंड वोकेशन दैट यू टेक. एंड दिस सिंपल डेफिनेशन उसका अर्थ यह है कि एनीथिंग व्हाट वन डज टू मेक अ लिविंग.
जिससे आप खाना खा लेते हैं, जिससे आप रेंट भर लेते हैं, जिससे आप कपड़े खरीद लेते हैं, जिससे आपका ब्रेड बटर है, दैट जो उस चीज को केटर करता है इन सारे नीड्स को, दैट इज योर करियर. सो करियर विल कवर अ सीक्वेंस ऑफ पोजिशंस जो आप लेते हैं लाइफ में. रोल्स आपके डिफरेंट होते चले जाते हैं प्रोफेशनली, एक्टिविटीज आपकी डिफरेंट हो जाती हैं. आप जैसे शुरू करते हैं, आप साल दर साल प्रमोट होते हैं, दूसरे जगहों पे जाते हैं, और आपके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस बदलते जाते हैं. दैट इज करियर. और जिस तरीके की आप जॉब करते हैं इन सारे रोल्स को निभाने के लिए, दैट इज करियर. तो करियर का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, जिस चीज से आपका आपकी रोजी रोटी चलती है. वॉट वन डज टू मेक अ लिविंग इज करियर. नाउ इसको, ये बिल्कुल एक्सेल हो, इसको जो आप हैं वो आप कर पाएं, इसको प्राप्त करने के लिए जरूरत है करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग की. तो सबसे शुरू में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा. सरल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या है करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग में. सबसे पहले इसके स्कोप में डिफरेंस है. करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग जो है वो बिल्कुल रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिमार्केशन है दोनों के ऊपर. और दोनों दोनों का फोकस है कि हम बच्चे को असिस्टेंस प्रोवाइड करें ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले. जो भी डिसीजन ले, ऐसा नहीं हो कि मिसकम्युनिकेशन या मिस इन्फॉर्मेशन के तहत ले ले, उसको इन्फॉर्म्ड डिसीजन देना. दोनों का टारगेट यही है ताकि वो सही करियर पाथ चुन पाए. दोनों का बैकग्राउंड जो है सिमिलर है, लेकिन कुछ की डिफरेंसेस हैं दोनों गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे. सबसे पहला है स्कोप. करियर गाइडेंस एक ब्रॉडर टर्म है, बड़ा है, अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर करियर काउंसलिंग आता है. करियर गाइडेंस बहुत सी चीज को इनकम्पास करता है, वेरियस एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज एम्ड एट हेल्पिंग इंडिविजुअल एक्सप्लोर करने में मदद करता है, अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, उसका स्किल कहाँ लाई करता है, उसके पोटेंशियल करियर ऑप्शंस कहाँ है. एक बच्चा जो कि बिल्कुल भी मेडिकल में इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी पोटेंशियलिटी कहाँ लाई करती है, ये करियर गाइडेंस आपको मदद करता है. कोई भी चीज उसके ऊपर फोर्स नहीं होनी चाहिए. करियर गाइडेंस आपको बताएगा कि बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, उसका स्किल क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, और उस हिसाब से उसको क्या प्रोफेशन ऐसा लेना चाहिए जिसकी वजह से वो लेगा तो वो बहुत एक्सेल करेगा. उसको सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उस प्रोफेशन की जिसमें वो जाना चाहता है वो उसको देंगे. और डाइवर्स प्रोफेशन से हम उसको एक्सपोज करेंगे. ये नहीं कि हम उसको चार चीज बताएंगे, हम उसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के बारे में बताएंगे कि ये भी हो सकता है. जो सब्जेक्ट चॉइसेस आपने ली है उसमें ये प्रोफेशन आते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी. एंड आई थिंक कि जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से, तुम्हारे स्किल और यूनिकनेस के हिसाब से, दिस विल बी सूटेबल टू योर वो करियर गाइडेंस आपको बताएगा, ताकि बच्चा एक एजुकेशनल पाथवे सक्सेसफुली चुने. और जो करियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वो करंट जॉब ट्रेंड्स जरूर बताते हैं कि मार्केट में कौन सी जॉब जो है वो चल रही है, आगे 5 साल में इसका क्या स्कोप होगा, आगे 10 साल में जब बच्चा करके निकलेगा तो क्या स्कोप होगा. ऐसा ना हो जाए कि बच्चा एक ऐसा करियर ले ले जो लेटर ऑन इररिलेवेंट हो जाए, ऑब्सिलीट हो जाए, उसकी कोई बात ही ना हो. फिर क्या होगा कि बच्चे को बहुत भारी जिंदगी भर का नुकसान होगा. तो गाइडेंस जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग, बहुत सोच समझ के बच्चे को प्रोवाइड करते हैं. ऑन द अदर हैंड काउंसिलिंग क्या होती है, ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड होती है. अब ये एक ज्यादा बच्चों को केटर नहीं किया जाता है, इसमें कुछ लाइक माइंडेड बच्चों को केटर किया जाता है जिन्होंने एक जैसा सब्जेक्ट लिया. और ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड होती है, जो कि फोकस करती है पर्सनल करियर रिलेटेड कंसर्न्स पे. कि अगर बच्चे ने एक प्रोफेशन चुन लिया है तो वो करियर ट्रांजिशन कैसे लेगा, किस मेडिकल कॉलेज के बाद वो कहाँ इंटर्नशिप करना चाहिए, उसकी क्या नेक्स्ट गोल सेटिंग होगी. अब यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाइड और इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच हो जाता है करियर काउंसलिंग में. अब एक चीज डिसीजन लिया हुआ है, उसके अंदर कैसे और काउंसलिंग होगी, और इसके अंदर माइक्रो मैनेजमेंट पे काउंसलिंग चली जाती है, ताकि बच्चे को इस क्षेत्र में और कौन कौन से स्किल पे काम करना चाहिए. कुछ आईटी का कोर्स कर लेना चाहिए, कुछ छोटा छोटा कुछ डिप्लोमा कर लेना चाहिए, ताकि इसका स्किल और भी होन हो. ये काउंसलर आपको बताएगा कि वॉट एग्जैक्टली इज रिलेवेंट टू दिस कोर्स विच द चाइल्ड हैज ऑलरेडी सिलेक्टेड, और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, क्या क्या पर्सपेक्टिव जो है आगे आगे पर्सपेक्टिव जो ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं जिससे बच्चे को जूझना पड़ेगा. ये इसका स्कोप है दोनों का, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का. अब इसके अप्रोच में भी थोड़ा सा डिफरेंस है. करियर गाइडेंस प्रोएक्टिव है और प्रिवेंटिव है. वो आपको बताएगा कि ये मत करो, ये करने से शायद उस तरीके का रिजल्ट नहीं आएगा. और एम एम करता है कि इंडिविजुअल इक्विप हो सारे नेसेसरी टूल्स से,
वो सारे जो नेसेसरी टूल्स जो एक बच्चे को चाहिए होगा उस करियर के लिए, वो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी लाके दे देगा, और ताकि बच्चा जो नेविगेशन करे अपनी जर्नी का, करियर जर्नी का, वो सक्सेसफुली करे, तो सारे टूल्स वो आपको लाके दे देगा एक करियर गाइडेंस, जिसमें क्या होगा, एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होगा जिसको बच्चा मार्क करेगा, उस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को जब इवेल्युएशन होगा तो उस इवेल्युएशन पे हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा बच्चे ने जिस तरीके का आंसर दिया, इसका एप्टीट्यूड कहाँ लाई करता है, इसका स्किल कहाँ लाई करता है, ये एनालिटिकल है, इसकी रीजनिंग है, इसकी लॉजिकल है, इसका इंटेलिजेंस कहाँ पे लाई करता है, तो उस तरीके की टूल्स गाइडेंस आपको प्रोवाइड होते हैं जिससे आप एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं। एक्टिविटीज दी जाती है जिसको हम लोग कहते हैं करियर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चे से कराई जाती है उस सेशन में, जहाँ पे उन एक्टिविटीज से आप इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अच्छा बच्चा जो है इस तरीके के आर्ट्स में जाने का, इसका आर्ट्स में बेंड है या इसका कॉमर्स में बेंड है या इसका साइंस में बेंड है, वो सिर्फ करियर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज के थ्रू ही क्लियर कर देता है, करियर गाइडेंस जो प्रोवाइड करता है। या फिर वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स बहुत सारे होल्ड किए जाते हैं, जब बच्चा क्या होता है बिल्कुल क्लीन है, उसको नहीं पता है कि उसको उसकी रुचि कहाँ पे लाई करती है, लेकिन वो वर्कशॉप में जाता है, सेमिनार अटेंड करता है, तो उसको उस टाइम पे समझ में आता है कि अच्छा इन द मार्केट देर आर प्रोफेशंस एंड वोकेशंस एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विच आर कम्प्लीटली टेलर मेड अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट। बच्चे को एक्सपोजर मिलता है ऐसे वोकेशन के बारे में, ऐसे स्किल के बारे में जिसके बारे में उसने कभी शायद सुना भी ना हो, लेकिन these places, these seminars and workshop, they provide exposure to children. So career guidance, workshop and seminars are very good places to give expose, जहाँ पे बच्चा होता है different educational path से. करियर काउंसलिंग का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे. यहाँ पे क्या अप्रोच है करियर काउंसलिंग का, थोड़ा रिस्पॉन्सिव है और एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड को रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है, जिसमें वन टू वन आप डील करते हैं। सेमिनार वर्कशॉप में कोई वन टू वन डीलिंग नहीं हो रही है, लेकिन काउंसलिंग में आपकी डीलिंग क्या होती है, वन टू वन होती है कि ये दिस इज द प्रॉब्लम दैट द चाइल्ड हैज कम अप विद। ना तो काउंसलर विल प्रोवाइड, बहुत बार वन टू वन होता है, लाइक कुछ सिमिलर है तो कुछ कभी कभी ग्रुप सेशंस भी होते हैं जिसमें क्वालिफाइड करियर काउंसलर बैठा होता है या थेरेपिस्ट होता है, जो कि ऑफर करता है पर्सनलाइज सपोर्ट एंड गाइडेंस। उसको पर्सनलाइज है, जो बच्चे का नेचर है, बच्चे का क्या सोचना है, उसने कहाँ से ये करियर को पिक किया है, उसके पीछे के जेनेसिस पे जाना है, और फिर करियर काउंसलर ये सारी चीज़ों को जान के, बच्चे के बैकग्राउंड को जान के, पर्सनल बैकग्राउंड को जान करके, उसकी सोच को डिकोड करके एक सपोर्ट और गाइडेंस एडवाइस प्रोवाइड करता है, जो कि कम्प्लीटली टेलर मेड होती है बच्चे के स्पेसिफिक नीड और कंसर्न के हिसाब से। गाइडेंस में क्या है, अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन काउंसलिंग में क्या है, एवरीथिंग इज टेलर मेड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल स्पेशल नीड्स एंड कंसर्न्स। नाउ द थर्ड पॉइंट जहाँ पे डिफर करता है गाइडेंस की काउंसलिंग, जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई बच्चा आपके सामने ये पॉइंट लेकर के आता है, देन यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपको बच्चे को गाइडेंस के लिए बताना है, डायरेक्ट करना है, या आप उसको काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट करेंगे। द थर्ड इज डेप्थ ऑफ इंटरेक्शन, यहाँ पे भी डिफरेंस है। करियर गाइडेंस में जैसे कि हमने बोला बिल्कुल ब्रीफ इंटरेक्शन होगा, जनरल इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन होगा, बहुत बहुत इन डेप्थ पर्सनलाइज इंडिविजुअलाइज टेलर मेड अप्रोच नहीं होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन होगा और ब्रीफ आपसे इंटरेक्शन होगा। और इस तरीके का गाइडेंस आपको कहाँ मिल सकता है, करियर फेयर्स होता है, विच इज रैम्पेंट करियर फेयर्स, जहाँ पे आप बच्चे को भेज सकते हैं, जहाँ पे बच्चा नए नए वोकेशंस के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में सीखता है, या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल जो बच्चा होता है वो एक्सप्लोर करता है वेरियस करियर ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड हुआ कि पहले आप बच्चे को गाइडेंस दे देते हैं, एक ओवरऑल पिक्चर दे देते हैं कि कहाँ एग्जैक्टली उसको जाना है, फिर वो काउंसिलिंग जब होती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन डेप्थ एंड ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन होती है, जब तक कि बच्चा किसी पर्टिकुलर करियर में घुस नहीं जाता है, जब तक कि उसकी हैंड होल्डिंग करा के वहां तक उसको नहीं पहुंचाया जाता है, तब तक ये ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन चलती रहती है काउंसिलर की और बच्चे की, और ये इन डेप्थ होती है, जहाँ पे बच्चे के पर्सनल स्ट्रेंथ्स के ऊपर बात होगी, बिल्कुल रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल पे काउंसलिंग में काम बात होगी, जहाँ पे बच्चे का पर्सनल स्ट्रेंथ कहाँ लाई करता है वो काउंसलर डिकोड करेगा थ्रू वेरियस असेसमेंट टूल्स से, एप्टीट्यूड टेस्ट से, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज से, फिर देखेगा कि बच्चे का एस्पिरेशन कहाँ है, वो क्या एस्पायर करता है, वो कहाँ देखता है अपने आप को, और वो जो एस्पिरेशन है उसका जेनेसिस क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो पीयर प्रेशर में एक एस्पिरेशन ड्रॉ कर रहा है, क्या जो एस्पिरेशन वो पिक कर रहा है क्या वो उसको निभाने के योग्य भी है कि नहीं,
तो वो हम जरूर देखेंगे कि उसके एस्पिरेशन का जेनेसिस क्या है, बोली बोली भी बात सुनी भी बात पे तो उसने एस्पायर नहीं कर लिया है, ये काउंसलर करते हैं। फिर है कि पर्सनल स्ट्रेंथ जरूर काउंसलर देखता है, बच्चे ने कोई बहुत ज्यादा यू नो एम्बिशियस होके कोई चीज को पिक कर लिया कि आई वांट टू बिकम दिस, लेकिन क्या हो गया कि बच्चे में पर्सनल स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसमें ग्रिट और स्टील ही नहीं है वो चीज को करने का, तो वो भी काउंसलर बोलेगा कि यू विल बी एबल टू पिक दिस अप बट शायद तुम इसको निभा ना पाओ, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स नहीं है यहाँ पे, यू आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज यू थिंक, ये फैंसी तुमने चीज ले ली है बट तुम इसको निभा नहीं पाओगे, तो ये भी काउंसलर आपको बता देगा। या किसी बच्चे ने बहुत अंडरप्लेड एक प्रोफेशन ले लिया है तो भी काउंसलर उसको बताएगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स बहुत ज्यादा हैं, आपका थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, व्हाट यू आर टेकिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, यू शुड स्ट्रेच योर सेल्फ एंड यू विल बी एबल टू डिलीवर बेटर इफ यू स्ट्रेच योर सेल्फ। सो इस तरह की क्लैरिटी आपको काउंसलर देगा और आपको नेविगेट करने में मदद करेगा कोई भी करियर चॉइस को इफेक्टिवली लेने में। ये है डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ इंटरेक्शन में, गाइडेंस में और काउंसलिंग में। आई होप दीज थ्री पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लियर। द फोर्थ इज इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब करियर गाइडेंस में क्या होता है कि शायद पर्सनल फैक्टर्स या प्रेफरेंसेस के ऊपर बात की जाए, लेकिन करियर काउंसलिंग जो होती है वो ज्यादा इंफोसिस होता है उसका इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, कि बच्चे ने कोई भी डिसीजन इमोशनली होकर तो नहीं ले लिया है, फादर डॉक्टर हैं इसलिए बच्चे ने तो डॉक्टरी नहीं ले ली है, या किसी के प्रेशर में तो ले नहीं ले लिया है, या इमोशनल कोई डिसीजन तो नहीं ले लिया है, तो वो जरूर काउंसलर देखता है कि बच्चे ने किसी ओवरवेल्म होकर भी किसी डिसीजन को नहीं ले लिया है, या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को उसके देखते हैं करियर डिसीजन, क्योंकि करियर इज वन थिंग दैट विल बी विद यू ऑल योर लाइफ, यू हैव टू लिव अलोंग विद दैट, वो पैरेलल आपकी जिंदगी में चलती रहती है, तो किसी भी टेम्पररी फैक्टर में या टेम्पररी इमोशन में या किसी यू नो कोई आपके लाइफ में ऐसा है जो कि प्रेशराइज कर रहा है आपको वो चीज करने के लिए, आपने उसके प्रेशर में ले लिया है और फिर क्या होता है यू आर सो मच स्ट्रेस्ड यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, कि फिर वो चीजें आपके अगेंस्ट जाने लगती हैं, आपके हेल्थ के अगेंस्ट जाने लगती हैं, आपके मेंटल हेल्थ के अगेंस्ट जाने लगती हैं, तो ये जरूर काउंसलर देखता है कि बच्चे ने जो डिसीजन लिया है वो किसी इमोशनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आके प्रेशर में आके नहीं लिया है, वो सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं ताकि बच्चा बिल्कुल सक्सेसफुल करियर डिसीजन मेकिंग करे। और करियर काउंसलर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उनको ट्रेन किया जाता है कि जहाँ पे देखें कि बच्चे को सेल्फ डाउट तो नहीं है, बहुत बार क्या होता है बच्चे बहुत योग्य होते हैं बट दे आर यू नो उनके अंदर सेल्फ स्टीम की कमी होती है, उनको लगता है क्योंकि उनके टीचर्स ने या पेरेंट्स ने कभी उनको ऐसी कोई बात बोल दी होगी जिसपे उन्होंने अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया है, तो काउंसलर्स जो होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि देखना है कि बच्चा जो है कहीं विक्टिम तो नहीं है सेल्फ डाउट का, या फिर उसको किसी करियर रिलेटेड स्ट्रेस में तो नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रेस में है तो ही वॉन्ट बी एबल टू टेक अ गुड डिसीजन, फिर कोई ऐसी जॉब या ऐसा करियर तो नहीं लेने वाला है बच्चा जिससे उसको बाद में जॉब डिससेटिस्फैक्शन होगा, वो अभी तो ले रहा है बट उसको जॉब वो आगे का सोच लेते हैं, आगे बच्चे की पर्सनैलिटी को देख करके आगे का जज करते हैं कि भाई बच्चे को आगे कोई जॉब डिससेटिस्फैक्शन ना हो, या बच्चे को कोई इमोशनल प्रॉब्लम है या बैरियर्स है जिससे वो रिजिलियंसी अपने अंदर नहीं बिल्ड कर पा रहा है, तो उन बैरियर्स को भी वो हटाने की कोशिश करते हैं। कोई बच्चा बहुत सक्षम है बट कोई बैरियर है उसके पोटेंशियल को टच करने के लिए, तो वो भी एड्रेस करता है काउंसलर कि अच्छा ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चा एक्सेलेंस नहीं प्राप्त कर पा रहा है, जबकि बच्चे में पोटेंशियलिटी है उसको अटेन करने की, तो वो हिंड्रेंसेस को भी वो हटाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर पाए। द लास्ट इज जो डिफरेंस है करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में है कि क्वालिफिकेशन जो होती है प्रैक्टिशनर की, करियर गाइडेंस प्रोफेशनल ऑफन इंक्लूड एडुकेटर्स, वो कोई भी हो सकता है, गाइडेंस कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, हमारे पास भी बच्चा आता है तो हम कुछ गाइडेंस जरूर दे देते हैं कि अच्छा यू नो तुम्हारे बड़े भाई ने ऐसा किया है तो तुम भी ऐसा कर लो, इस टाइप की जानकारी हम भी दे देते हैं, स्कूल काउंसलर्स उनको देते हैं जो कि CBSE में होते हैं, हर स्कूल में काउंसलर का कहना है मैंडेटरी है कि काउंसलर भी होते हैं, वो भी आपको बता सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज योर स्किल इंटरेस्ट, तो आपको वो भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, या जो करियर डेवलपमेंट फैसिलिटेटर्स होते हैं दोज पीपल कैन ऑल्सो बी योर गाइड, जो कि जनरल करियर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज आपके सामने ला के रख देते हैं बच्चे के। काउंसलर क्या होता है, वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग करके आता है और उसकी क्रेडेंशियल्स होते हैं इन काउंसलिंग और थेरेपी, ये बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं, जो काउंसलर होते हैं वो ट्रेन्ड होते हैं, उनका काम है कि आप जो बोल रहे हैं वो भी सुनना, जो आप छुपा रहे हैं वो भी समझना,
जो आप असेसमेंट टूल में सोच रहे हैं वो भी, जो सोच के नहीं लिख रहे हैं वो भी, वो आपको 360 इवैल्यूएशन आपका कर लेते हैं, बिकॉज उनकी पढ़ाई है उस चीज में, दे आर ट्रेन्ड, और उनका जो क्या होता है इन डेप्थ गाइडेंस असेसमेंट होता है, वो जिस पेपर पे आपको असेसमेंट करते हैं उसमें इतने सवाल होते हैं नीचे से ऊपर तक, इतना इन डेप्थ उसका क्वेश्चन आयर होता है कि बच्चा शायद एक में दो में झूठ बोल भी दे, वो तीसरे चौथे में वो उसकी सच्चाई बाहर आने लगती है. द पेपर द वर्क दैट दीज काउंसलर प्रोवाइड आर सो इन डेप्थ कि आप जो हैं वो बाहर पेपर पे आना ही आना है, काउंसलर से आप छुप नहीं सकते हैं. और जब एड्रेस हो गया है कि बच्चे का करियर ओरिएंटेशन एक्चुअली क्या है और जो वो चाहता है वो वही बन रहा है या किसी प्रेशर में उसने लिया है, तो जब ये प्रॉब्लम एड्रेस हो जाती है काउंसलर के पास, तो फिर वो नेसेसरी इंटरवेंशन करता है कि अब ये प्रॉब्लम एड्रेस हो गई है, दीज आर द इंटरवेंटिव मेथड स्ट्रेटजीज दैट आई विल टेक सो दैट द चाइल्ड इज एबल टू एक ऐसा करियर ले जिसमें वो लाइफ लॉन्ग हैप्पी रहे, सेटिस्फैक्शन रहे, कॉन्ट्रीब्यूट करे, प्रोडक्टिव रहे और होलिस्टिक लाइफ जिए. तो ये डिफरेंस है काउंसलिंग और गाइडेंस में, जो कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. नहीं तो हमें कभी भी अगर बच्चा आएगा तो हम उसको ये नहीं बता सकेंगे कि यू नीड अ गाइड और यू नीड अ काउंसलर. दैट्स वाई दिस बेसिक डिफरेंस इज नेसेसरी टू बी अंडरस्टूड. नाउ गाइडेंस और काउंसलिंग से होता क्या है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है सबसे पहली बात, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरे लिमिटेशंस क्या हैं, मेरे रिसोर्सेज क्या है. आई माइट लाइक समथिंग जो कि इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, 40 लाख का कोई कोर्स है जो मेरे को बहुत पसंद आ गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसको उसको केटर कर पाएंगे, क्या मेरी फैमिली उस तरह का अमाउंट पे करने को रेडी है, या हमें कोई लोन लेना पड़ेगा, अगर लोन लेना है तो कितने साल में पूरा होगा, या हमने कोई ऐसी चीज चुन ली है जिसमें हमारा स्ट्रेंथ्स नहीं है. तो हमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग देता है, हमें क्लैरिटी हो जाती है, एवरीथिंग इज क्रिस्टलाइज बिफोर आर आईज, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर कि हमें करना क्या है. जब आपको अपने स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशंस, फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फैमिली रेडी भी है कि नहीं आपको भेजने के लिए दूसरे शहर, दूसरे देश, कहीं भी, वो भी आपका एक अदर लिमिटेशन हो सकता है. जब आपको ये सारी चीजें पता हो जाती हैं, वेन यू आर अवेयर, जब वेन यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दिस इज वॉट आई कैन डू, दिस इज वॉट आई कैन नॉट डू, एंड थिंग्स दैट के नॉट बी चेंज, उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दीज आर द रिसोर्सेज आई हैव और ये मेरी लिमिटेशन है, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, अब इसमें बेस्ट क्या करना है. तो गाइडेंस और काउंसलिंग से क्या होता है, ये क्लैरिटी आपको मिल जाती है. जब आप अंडरस्टैंड करते हैं अपनी सिचुएशन को, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आप एक फैसला करते हैं डायरेक्शन लेने का, अब किस तरफ हमें डायरेक्शन लेना है. जो अभी मेरी यूनिकनेस है, मेरी जो एबिलिटी है, मेरी जो इंटरेस्ट है, मेरा जो एप्टीट्यूड है और मेरी जो लिमिटेशंस हैं, जितों मेरे रिसोर्सेज हैं, उसमें बेस्ट डिसीजन क्या लेना है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेक चॉइसेस एंड डिसीजंस ऑन वंस ओन. सो ये तीन चीज आपको प्राप्त हो जाती है. स्टूडेंट्स को क्या जरूरत है इस तरीके की काउंसलिंग प्रोग्राम की, सबसे पहला तो सवाल ये है कि जरूरत ही क्या है इसकी. तो हमें एक बात को याद रखना होगा, जब हम भी स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स कोई अपना फ्यूचर प्लान नहीं करते हैं. कोई भी बच्चा जो सेवेंथ या एट्थ का है, वो कोई बैठ कर कभी भी पेपर पेन लेकर के अपना फ्यूचर नहीं प्लान कर रहा होता है. या तो उसके माँ बाप बता देते हैं कि हमारे फैमिली में सब इंजीनियर्स हैं, तुम्हें भी इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर बनना है, या जो भी व्हाटएवर प्रोफेशन, बहुत बार फैमिली डिसाइड कर लेती है. अब के बच्चे बहुत ज्यादा फैमिली की बात नहीं मानते हैं, तो दे फॉलो देयर पीयर्स कि मेरे सारे पीयर्स जो है वो कॉमर्स ले रहे हैं तो आई विल ऑल्सो टेक कॉमर्स, मेरे सारे फ्रेंड्स जो है इस स्कूल में जा रहे हैं तो आई विल ऑल्सो गो टू दिस स्कूल. ये बहुत रैम्पेंट होता है इस एज में, जहाँ पे बच्चे पीयर्स को फॉलो करना चाहते हैं. तो बच्चों को ये बताना है कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, इसीलिए काउंसलिंग और गाइडेंस में आपकी क्लैरिटी हो जाती है. जो आपके पीयर की स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रेंथ शायद ना हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपके पीयर की स्ट्रेंथ नहीं होगी. तो ये क्लैरिटी बच्चों को शुरू ही से देनी होगी कि आपको लाइफ अपने पीयर के साथ तो जीनी नहीं है, आपको जीनी है अपनी लाइफ सिंगल अपने करियर के साथ. तो वो चीज करो जिसको करने में आपको मजा आए, जहां पे आपका स्ट्रेंथ है, जहां पे आप एक्सेल कर सकते हैं, जहां पे आपको हार्ड वर्क करने में तकलीफ नहीं होगी. ठीक है, बहुत बार क्या होता है जैसे कि हमने शुरू में कहा, एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स ने डिसाइड, सबमिसिव अगर बच्चा है, आजकल तो ये बहुत ट्रेंड नहीं है, फिर भी एक्सेप्ट द वर्डिक्ट, जब पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया दिस इज व्हाट यू विल बिकम एंड द किड्स दे बिकम. जैसे कि थ्री इडियट्स के पहले सीन में दिखाया था कि वो बच्चा पैदा होता है और ऑपरेशन थिएटर में डिसाइड हो जाता है कि बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा. ये पहले का ट्रेंड था और ये बहुत ज्यादा रैम्पेंट था. ये जहाँ पे बच्चे का स्किल हो या नहीं हो, वो उसको करना है बिकॉज पेरेंट्स ने डिसाइड किया. फोर्थ इज गेट टेम्प्टेड बाय करंट ट्रेंड्स. अभी कौन सा दौर चल रहा है, अभी यूट्यूबर, कंटेंट राइटर,
क्लिनिकल साइकोलॉजी, एडवर्टाइजिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, एनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी ये बच्चे ना इन सारी चीज़ को बनना चाहते हैं। अगर आज के बच्चों से आप पूछेंगे तो इसी तरह की चीज़ों का नाम वो लेंगे। ऑब्सोलीट कोई भी चीज़ उनको लगेगी कि जो पुरानी हो गई, उनका नाम वो लेते नहीं हैं, तो वो करंट ट्रेंड से चलते हैं। बट हमें बच्चों को ये बताना है कि ये करंट ट्रेंड तो है, बट बाय द टाइम यू विल फिनिश योर एजुकेशन शायद ये ट्रेंड बदल जाए, शायद जो तुम करियर परस्यू करना चाहते हो वो ऑब्सोलीट हो जाए, या हो सकता है कि वो और भी बूम करे। यू हैव टू सीक गाइडेंस फ्रॉम द प्रोफेशनल्स। तो इसलिए गाइडेंस और काउंसलिंग इस पॉइंट पे बहुत जरूरी रहता है कि बच्चा इस तरह के ट्रेंड्स का विक्टिम ना बने, उसको किसी भी चीज का विक्टिम नहीं बनना है। इसी के लिए हमें उसको करेक्ट टाइम पे करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर देनी है। आर टोटली अवे फ्रॉम रियालिटीज एंड लिव इन द वर्ल्ड ऑफ देयर ओन ड्रीम्स एंड फैंटेसी, वेरी वेरी रैम्पेंट। बच्चों को रियालिटी चेक नहीं है, स्पेशली जो टीनेज होते हैं, कि उनको नहीं पता है कि पेरेंट्स किस तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, या वो कौन सा लोन भर रहे हैं, या उनकी और क्या क्या चीजें हैं जिससे लाइफ बहुत उनकी टफ हो रही है। वो अपनी ही दुनिया में एक रहते हैं, और खास के आजकल के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पे वो गेम्स खेलते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, इस तरीके की चीजें यूज करते हैं, और उनको आइडिया नहीं है कि अभी प्रेजेंट रियालिटी मेरी क्या है। तो ऐसे बच्चों को जरूर रियालिटी चेक करानी चाहिए, जहाँ पे वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, उनको क्या करियर लेना चाहिए, इस बात की क्लैरिटी उनको हमें देनी है। स्टूडेंट्स फेल टू डिस्कवर देयर ओन ट्रू सेल्फ, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, एडल्ट्स ऑल्सो फेल टू डिस्कवर देयर ओन ट्रू सेल्फ, इट्स वेरी टफ। इसीलिए सीबीएसई के लाइफ स्किल प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रेंथ कहाँ है। हम अच्छे ओरेटर हैं, हम अच्छे डिबेटर हैं, हम अच्छे राइटर हैं, हम अच्छे रीडर हैं, ये हमें बचपन में ही आइडेंटिफाई करा देना चाहिए। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर इतनी, लाइफ स्किल के ऊपर इतनी सारी सीबीपीज होती हैं, ताकि हम बच्चों का पोटेंशियल बचपन में ही पकड़ लें और उनके स्ट्रेंथ्स पे ही काम करें, ना तो ऐसा हो जाए कि हम उनके वीकनेस पे ही काम करें और वो बिल्कुल मीडियोक्रिटी की जिंदगी जिएंगे। क्योंकि किसी की भी वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन तुरंत कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों को अपने ट्रू सेल्फ, मेरी खूबी किस चीज में है, वेयर कैन आई एक्सेल, वेयर कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द नेशन डेवलपमेंट, टू द सोसाइटी, टू एवरी वन, वो बच्चे को बहुत छोटी उम्र में ही आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। और ये इसमें सारे स्टेक होल्डर्स का काम होता है। वंस एक बच्चे को पता चल जाता है कि मेरा ट्रू सेल्फ ये है, हम इसको केटर कर सकते हैं, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर वो मास्टरपीस ही बन के निकलते हैं। जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर बिल्डिंग करियर इज पर्सनैलिटी। यू नो आपकी पर्सनैलिटी, आप बहुत छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं, आप टिमिड हैं, और डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग आपकी नहीं है, और आप चाहते हैं कि आप किसी मैनेजमेंट के हेड पे बैठ जाएं, देन दैट विल नॉट सूट यू। क्या होगा, पूरा के पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि दैट पोजिशन रिक्वायर्स लॉट ऑफ यू नो हायर ऑर्डर थिंकिंग। आपके आपकी आप में लीडरशिप होनी चाहिए, आपको पूरी टीम को चलाने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो उस तरह के ट्रेट्स नहीं हैं, तो आप बिल्कुल ऐसी चीज लें जहाँ पे यू नो यू आर एबल टू फॉलो समबडी। पर्सनालिटी से बिल्कुल अलाइनमेंट होना चाहिए आपके करियर का, नहीं तो क्या होगा, उससे सिर्फ आपका नहीं, आपके साथ लोग जो जुड़े हैं उनका भी नुकसान हो जाता है। कोई बहुत ही यू नो एग्रेसिव सा इंसान है, तो वो उसको आप क्या किस प्रोफेशन में डालेंगे, ताकि उसका जो पोटेंसी, उसकी जो एनर्जी है वहां पे यूज हो सके। ये करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करती है कि पर्सनालिटी से अलाइन किया हुआ करियर होगा, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो सही तरीके से यूज होगी। एप्टीट्यूड, आपके एप्टीट्यूड क्या, आपकी स्किल क्या है, आपकी सोच क्या है, आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये डिसाइड करेगा आपका करियर। क्योंकि अगर आपको आप में एप्टीट्यूड किसी और चीज का है और आपने किसी और करियर ऑप्शन, तो आपका पोटेंशियल पूरा एक्सक्वीज नहीं होता है। दैट इज द ट्रेजेडी बिहाइंड इट। आपको अगर अपने पूरे पोटेंशियल को एक्सक्यूज स्क्वीज कराना है, आपकी यूनिकनेस खिल करके बाहर आए, तो आप बिल्कुल वो करियर लें, अपने बच्चों बच्चों को बोले कि आप तुम वो करियर चॉइस मेक करो जहाँ पे आपका एप्टीट्यूड निखर के बाहर आता है। इंटरेस्ट, मेनी अ टाइम्स यू नो हम लोग विक्टिम बन जाते हैं, कोई ऐसी चीज हमें लेनी पड़ती है जिसमें हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या होता है, वो बैगेज की जैसे हो जाता है, सकते हैं हम एक पहाड़ लेकर के चल रहे हैं, तो क्या होता है, हम सेटिस्फैक्ट्री लाइफ नहीं जीते हैं। तो बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सेटिस्फैक्शन हो, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन हो, पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो, लाइफ को फुल ऑन जिए, तो बिल्कुल वो करियर पाथ ऐसा ले जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है और उसकी वो बैंग ऑन उसमें अच्छा कर पाता है।
सो दीज थ्री पॉइंट्स वाइल डिसाइडिंग, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट. नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि हम लोग यू नो थिंक इंडिविजुअली एंड राइट एन आंसर फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ये क्वेश्चंस कुछ हम लोग अपने आप से पूछ सकते हैं ताकि ये क्लैरिटी हो कि हमें करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत थी कि नहीं जब हम छोटे थे. एज अ चाइल्ड इन द स्कूल व्हाट वर योर ड्रीम्स, अगर हम ये सोचते हैं तो क्या वो जो ड्रीम्स थे क्या हम उसको आज परस्यू कर रहे हैं. एज अ टीनेजर इन स्कूल व्हाट करियर प्लान्स यू नर्चर्ड फॉर योर सेल्फ, और किस वजह से वी वर नॉट एबल टू परस्यू देम. एट कॉलेज लेवल, अब ये छोटे से हम लोग बड़े हो रहे हैं, क्या हमारे जो थॉट प्रोसेस था उसमें चेंजेस आया है. एज अ चाइल्ड हमारा कुछ और विजन होता है, जब हम टीनेज होते हैं तो हमारा कुछ और विजन होता है, जब हम कॉलेज लेवल में आते हैं डज योर प्लान फॉर करियर चेंज. बिल्कुल चेंज हो जाता है क्योंकि प्रेयर का प्रेशर, सोसाइटल चीजें इतनी डायनामिक होती हैं कि हमारा चेंज होते रहता है थॉट प्रोसेस. व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस चेंज, आर यू सेटिस्फाइड विद योर प्रेजेंट प्रोफेशन और डू यू वॉन्ट एनी चेंज इन योर प्रोफेशन. ये क्वेश्चन हम लोग सबके लिए है कि हम क्या सेटिस्फाइड हैं अभी अपने प्रेजेंट प्रोफेशन में और क्या हमें चेंज चाहिए अपने प्रोफेशन में. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर प्रेजेंट करियर वॉट प्रोफेशन वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर. अगर जो लोग खुश हैं वेरी नाइस, जो लोग नहीं खुश हैं या जो उनको लगता है कि उनकी पोटेंशियल कहीं ऐसी जगह पे थी जहाँ पे और लगा सकते थे, तो आपको ये नहीं लगता है कि अगर हमें हमारे टाइम पे करियर गाइडेंस और काउंसलिंग इसी तरीके से प्रोवाइड की जाती तो हमारी यूनिकनेस और भी अच्छे से निकल के आती, हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी है जो कि और भी निखर के आती. तो ये इम्पोर्टेंस बताएं, ये क्वेश्चन इसलिए है ताकि आपको ये पता चले कि आज के बच्चों के लिए हम अच्छा कुछ कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग एट द करेक्ट स्टेज. वो बिल्कुल भी डिसुएड नहीं हो. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ करियर डेवलपमेंट, करियर को डेवलप कैसे करते हैं. सबसे पहला है कि नो योर सेल्फ, ये करियर हमें चलाना है, ये काम हमें करना है, ये करियर हमें चूज करना है, इसको लाइफ लॉन्ग हमें खींचना है, इसमें हमें थ्राइव करना है. तो सबसे पहले आपको अपना वैल्यूज पता होना चाहिए कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है. बहुत बार बहुत लोग किसी कुछ प्रोफेशन में इसलिए नहीं जाते क्योंकि जिन वैल्यूज के साथ उनको पाला पोसा गया है वो उस करियर के अगेंस्ट हो जाता है, ये भी होता है. तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके वैल्यूज क्या है. दूसरा, इंटरेस्ट क्या है, जो प्रोफेशन हम ले रहे हैं या करियर हम ले रहे हैं या बच्चा जो ले रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट क्या है. तीसरा, क्या वो उसमें स्ट्रेंथ्स है उसके, कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी वीकनेसेस है वहां पे और वो ये करियर ले रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बाद में वो उसको बहुत उसके लिए बैगेज हो जाएगा. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो कि क्लास 1 में पढ़ने के लायक है बट हम उसको क्लास 2 में डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है वो उसके लिए वो जर्नी क्या हो जाती है, रिपल्सिव हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, वो उसके लिए बैगेज हो जाती है, उसके सर का दर्द हो जाती है. तो आप बिल्कुल ऐसा देखें जहां पे आपकी स्ट्रेंथ हो, जहां पे आप उसमें शाइन करें, ना कि आप सब्ड्यूड एक लाइफ जिए डर डर के. तीसरा है कि आपके जो ट्रेट्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं आपके, जो आप जिस चीज में जा रहे हैं, जिस करियर को आपका बच्चा चूज कर रहा है वो इन अलाइनमेंट है जो कि बच्चे के ट्रेट्स हैं. अगर बच्चा आर्मी में जाना चाहता है तो क्या वो फिजिकली उतना फिट है, क्या वो डिसिप्लिन लाइफ जीने के योग्य है, क्या वो उस तरह के हार्ड रूटीन को सस्टेन कर पाएगा. तो ये बच्चे के ट्रेट्स को भी हम लोग देखते हैं जब हम लोग करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग बच्चे को प्रोवाइड करते हैं. एम्बिशन, बच्चा एम्बिशियस है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो दे आर नॉट वेरी एम्बिशियस. जो एम्बिशियस लोग होते हैं उनका थॉट प्रोसेस दूसरा होता है, जो लो ऑन एम्बिशन होता है उनका थॉट प्रोसेस दूसरा होता है. तो हमें बच्चे के एम्बिशन को भी देखना है कि हाउ एम्बिशियस, हाउ फार द चाइल्ड इज रेडी टू पुल हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सेकेंड है एक्सप्लोर ऑप्शंस. करियर डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन आपके सामने होगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. उसके ऊपर आप ऑक्यूपेशनल रिसर्च जरूर करें जिसमें आपको ये पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली विल यू बी आस्क्ड टू डू, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है. फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन इंडस्ट्री है तो इसमें क्या ट्रेंड है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ हम इसमें सर्व कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री का क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और जिसके लिए हमें रिम्यूनरेशन मिलेगा, जिसके लिए हमारी लिविंग चलेगी. करियर ऑप्शन फॉर डिग्री, डिग्री के लिए बच्चा ले रहा है या उसमें अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, इस बात की भी क्लैरिटी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा. गेट फोकस्ड,
तीसरा है कि आप अब आपने अपने आप को समझ लिया, आपने ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लिया है. नाउ यू हैव टू गेट फोकस, नाउ यू हैव गॉट एन आंसर कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू. अब आपको इसके ऊपर एक्शन प्लानिंग करनी होगी, गोल सेटिंग करनी होगी कि व्हाट इज द नेक्स्ट राइट मूव. नाउ वी हैव टेकन अ डिसीजन, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू डू, एंड देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन, टेक एक्शन. लास्ट है ऑब्वियसली यू हैव टू टेक एक्शन टू गो अबाउट इट. कनेक्ट विद एम्प्लॉयज, नाउ यू हैव डिसाइडेड, नाउ यू हैव टू कनेक्ट विद एम्प्लॉयज. You have to do job research tools and you have to gain experience. This is what we all do as adults. But the journey started from where we started to be aware about our own self. कि हम लोग बने किस चीज के लिए हैं. Major components of career development. तो हमें सबसे पहले एक्सप्लोर एंड अप्रिशिएट करना होगा अपने वेरियस पर्सनल एट्रीब्यूट्स को. जब भी वॉट एवर द चाइल्ड इज गेटिंग इन टू, उसको एक्सेप्ट करके अंडरस्टैंड करके अप्रिशिएट जरूर करना होगा कि अब मेरे पर्सनल एट्रीब्यूट्स ये हैं, दिस आई कैन नॉट चेंज एंड आई विल टेक अ डिसीजन फॉर माई करियर जहाँ पे मेरे पर्सनल एट्रीब्यूट्स उसको केटर कर पाए, उसको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए. Then you have to acquire, then the child has to acquire increased self-awareness by self-reflection. I can do this, I cannot do this. These are my strengths, these are my weaknesses, these are the opportunities and these are the threats that will come with this career. So when the child does a SWOT analysis over the career that he is choosing, usko crystal clear idea ho jata hai ki is profession mein wo kya kar payega, ki isme kya kya usko threats aa sakte hain, kya kya usko opportunities aa sakte hain, kahan uske obstacles aa sakte hain aur kahan kahan wo serve kar payega. So these things will give the child a crystal clear idea. Okay. Now correlate true self and career. Whatever you are, you know the best. The counselor after the assessment tool will be able to decode the child in a beautiful way. Uska in and out bacche ko pata chal jayega. Aur ab jo bacche ka true self hai. बहुत बार क्या होते हैं ना, बच्चे बाहर से कुछ दिखते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं. यू नो, बच्चा बाहर से बिल्कुल टिमिड दिख रहा है मगर अंदर में उसके लीडरशिप है, अंदर में उसके अंदर डिसीजन मेकिंग है, अंदर में वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को है. वो बहुत टिमिड दिख सकता है, बहुत सबमिसिव दिख सकता है, बट अंदर में उसके कुछ और है पोटेंशियल. तो वो जब डिकोड हो जाती है तो आप बिल्कुल ट्रू सेल्फ, जिससे बच्चा अलाइनमेंट हो, उसी को करियर के लिए चूज करें. नाउ एस्टैब्लिश लिंकेज ऑफ स्किल्स, एबिलिटीज, personality, interest with career choice. You think, just think about it, कि मेरे अंदर जो skill है, मेरे अंदर जो ability है, मेरी जो personality और मेरा जो interest है, अगर उसको हमने अपने career choice से match कर दिया, तो आपको लगता है कि काम करना मुश्किल होगा. You will love what you're doing. You will excel. और तभी masterpiece create होता है, तभी लोग successful होते हैं. You know, Ratan Tata or whoever you think is successful in your eyes, their skill, ability, personality, interests, सारा मैच करता है एक दूसरे से. दैट्स वाई सच पीपल आर क्रिएटेड, क्योंकि वो इतनी उम्र में भी इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि वो काम कर रहे हैं. वो तो अपने स्किल को होन कर रहे हैं, अपनी अबिलिटीज पे काम कर रहे हैं. उनकी पर्सनालिटी ही इस चीज के लिए, उनका इंटरेस्ट ही यहाँ पे लाई करता है. सो व्हेन वी डू सच काइंड ऑफ करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, द बेस्ट विल कम आउट ऑफ द चाइल्ड. दैट्स वाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. नाउ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है? बच्चे का सेल्फ, ये जब करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है, सबसे पहले बच्चे को सेल्फ एक्सप्लोर किया जाता है, बच्चे को एक्सप्लोर किया जाता है. लेकिन बच्चा अपने आप को भी एक्सप्लोर करे, ये इंपॉर्टेंट है. उससे क्या होता है, हम बच्चे को जब एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका स्किल और स्ट्रेंथ्स कहाँ है. एज क्लास टीचर्स ऑल्सो, यू नो, हमारे साथ जब बच्चा 6 महीने रहता है तो हम इजिली बता देते हैं कि ये इसका स्किल है और ये इसका स्ट्रेंथ्स है. और इंडिविजुअल जब अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चल जाता है, जिसमें हम लोग सेल्फ अवेयरनेस एक स्किल पे, जो हमने पहले भी कहा बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे टीचर जरूर बच्चे को बताए कि ये क्वालिटी इस बच्चे में, स्टेक होल्डर्स दे शुड कम टुगेदर टू आइडेंटिफाई कि बच्चे का स्किल और स्ट्रेंथ्स क्या है. जब हम बता देते हैं कि बच्चे का ये स्किल और स्ट्रेंथ्स है, तो बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसको रेफरेंस लेग्स मिल जाते हैं अपने पेरेंट्स के और अपने टीचर्स के कि दिस इज व्हाट आई हैव. तो वो उसकी इनर वॉइस बन जाती है, उसका सेल्फ स्टीम बहुत हाई हो जाता है. अगर किसी ने 50 लोगों ने बोल दिया कि ये बच्चा बहुत अच्छा डिबेट करता है, तो बच्चे के अंदर एक इनर वॉइस बन जाती है कि मेरे आई एम अ वेरी गुड डिबेटर. और वो उस लेवल पे काम करता है क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है उस चीज को लूज करने के लिए. तो आप बच्चे को अवेयर जब कराते हैं तो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी बिल्ड हो जाती है, उसका फियर रिड्यूस हो जाता है और उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है. एंड जब बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है एक बार, तो देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर द चाइल्ड. तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है
करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कि यू आर मेड फॉर दिस एंड यू विल एक्सेल इन दिस, और सारे रेफरेंस लेग्स जो होते हैं इसी तरह डायरेक्ट करते हैं कि इफ यू हैव चोजन दिस थिंग यू विल बी एबल टू डिलीवर एंड देन एक्सेलेंस कम्स आउट. नाउ देयर इज दिस थिंग इंटेलिजेंस एंड करियर. नाउ इंटेलिजेंस एंड करियर से कहीं से भी आईक्यू की बात नहीं है. मल्टीपल इंटेलिजेंस का नाम आपने जरूर सुना होगा. तो हर बच्चे में हर तरीके का इंटेलिजेंस, कोई आईक्यू से तेज है तो किसी में इंटरपर्सनल ट्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं, इंट्रापर्सनल ट्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, कुछ कॉग्निटिव इनका बहुत अच्छा होता है, कोई लिंग्विस्टिक तुरंत लैंग्वेज सीख लेते हैं, कोई बहुत अच्छी लॉजिकल रीजनिंग कर लेते हैं, कुछ नेचर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, कुछ जो होते हैं स्पेशल बहुत अच्छे जो पिक्चर स्मार्ट होते हैं, कुछ जो होते हैं जो बॉडीली काइनेस्थेटिक जो बिल्कुल करते हैं, किसी का म्यूजिकल माइंडसेट होता है. तो मल्टीपल इंटेलिजेंस है कि वो जब करियर काउंसलिंग के पास जाते हैं बच्चे तो कोई एक पैमाने पे उनको नहीं करियर बताया जाता है. उनकी इतनी जो इंटेंसिव उनकी एक असेसमेंट टूल होती है जिसमें उनके सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस बच्चे में किस किस तरीके के हैं, कहाँ कहाँ बच्चे होन कर सकता है अपने स्किल को, कहाँ कहाँ वो करियर चॉइसेस ले सकता है, जो कि एक नॉर्मल गाइड को नहीं पता होता है वो निकाल के देता है. और मेनी अ टाइम्स बहुत सरप्राइजिंग आंसर्स आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स जिन्होंने इतने साल बिताए अपने बच्चे के साथ उनको भी नहीं पता होता है कि मेरे बच्चा इस चीज के लिए बना है, एंड देन दे आर एबल टू टेक अ वेरी ब्यूटिफुल डिसीजन जहाँ पे एक्सेलेंस निकल करके आता है. आगे हम लोग एक केस स्टोरी पढ़ेंगे जिससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी. ना और भी सिग्निफिकेंस है करियर काउंसलिंग एंड इसका गाइडेंस का जो हम लोग थोड़ा और इसके इनडेप्थ करते हैं. सेल्फ एक्सप्लोरेशन बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा क्या है वही हम करते हैं, उसका स्किल इंटरेस्ट वैल्यू पर्सनालिटी ट्रेस्ट सब होता है और असेसमेंट काउंसलिंग सेशन डिस्कशन होता है. तो इंडिविजुअल को पता चलता है कि जैसे कि हमने कहा कि उसको अपने सारी चीजों के बारे में पता चलता है. सेल्फ एक्सप्लोरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो गाइडेंस और काउंसलिंग जो गिफ्ट आपको देता है कि जो आपको भी अपने बारे में नहीं पता है वो काउंसलर आपको बताता है कि यू हैड दिस, क्योंकि दीज पीपल आर प्रोफेशनल, दे हैव ब्यूटिफुल असेसमेंट टूल टेस्ट जो आपको बताते हैं कि यू हैड दिस बट वी वर नॉट इवन अवेयर कि हमारे पास ये सारी चीजें थी. क्लैरिटी एंड डायरेक्शन देता है. ऑब्वियसली जब आपको जो अपने बारे में नहीं पता है वो सामने वाला आपको बता रहा है कि यू हैव ऑल दिस क्वालिटी, तो आपको क्लैरिटी आती है कि अच्छा हम लोग तो एक बॉक्स में रहते हैं, लेकिन वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी क्लैरिटी देता है कि आप यहाँ 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 जाते हैं, आपके लिए और भी करियर ऑप्शंस हैं और आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास एक दो ही ऑप्शंस हैं, बट काउंसलर आपके लिए प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस खोल देता है. इससे क्या होता है आप बिल्कुल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं. उसके बाद क्या होता है आपकी गोल सेटिंग एंड प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाती है. आपने अब डिसीजन ले लिया है क्रिस्टलाइज करके कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे को डायरेक्शन और क्लैरिटी मिल चुकी है, आपने डिसीजन भी ले लिया कि दिस इज द प्रोफेशन आई वांट टू गो. अब क्या है आपको गोल सेटिंग एंड प्लानिंग में जाना है इसके लिए. उसके बाद क्या है इस प्रोफेशन में या इस करियर में थ्राइव करने के लिए मेरे को क्या क्या स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए. करियर गाइडेंस आइडेंटिफाई स्किल गैप्स. स्किल गैप्स होता है ना, बहुत दिन आप कुछ चीज नहीं करते हैं. मेनी मेनी टाइम्स फीमेल्स दे सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कि जब वो बायोलॉजिकल किसी इशू से अपने मदरहुड के टाइम से गुजरती हैं तो उनका बहुत गैप आता है, करियर गैप्स आता है, स्किल गैप्स आता है. तो आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप इस टाइम पे कौन सा कोर्स कर लेंगे तो आपका स्किल गैप केटर हो जाएगा, आपका गैप मिट जाएगा. तो इस तरीके का स्किल डेवलपमेंट होता है. ट्रेनिंग होती है छोटी छोटी, बीच में कोर्सेज होते हैं, वर्कशॉप होते हैं जो आपको रेलेवेंट टेलर मेड कॉम्पिटेंसी से इक्विप करते हैं. ये कौन आपको प्रोवाइड करेगा, करियर काउंसलर ही आपको प्रोवाइड कर सकता है. और जॉब मार्केट इनसाइट्स आपको देता है करियर काउंसलर. जैसे कि हमने बोला कि ट्रेंड्स क्या है और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, करियर काउंसलर को पूरे मार्केट ट्रेंड का पता होता है. वो आज से 30 साल आगे की चीजों को वो लोग डिजाइन करके रखते हैं कि आज से 30 साल के बाद क्या ट्रेंड जाने वाला है. अब बड़े बड़े बिजनेसमैन का अगर आप इंटरव्यू देखते हैं तो आपको आपको ये पता चलेगा कि उनको मार्केट ट्रेंड्स के बारे में कितना ज्यादा पता है, जो कि एक लेमैन को नहीं पता होता है. उन ट्रेंड्स को आपका काउंसलर आपको बताएगा, आपको स्ट्रैटेजी बताएगा और आपको प्रिपेयर करेगा उस तरीके की इंटरव्यू के लिए, ताकि जो आपको हायर कर रहा है वो देखे कि इसमें पोटेंशियल है आगे को फोर्सी करने की, और ये आगे जो जो जॉब डिमांड जैसे जैसे बढ़ेंगी उसको ये केटर करने के लिए भी सक्षम है. The last point, the second last point is networking and connection. This is very, very important. आपको खुद समझ में आएगा कि networking and connection का कितना importance होता है. आपको counselor सिर्फ guidance नहीं दे रहा है, आपको एक profession नहीं चुन के दे रहा है आपके potency के हिसाब से या skill के हिसाब से, आपको networking advice भी दे रहा है
वेयर एग्जैक्टली शुड यू गो कि आप अपने तरीके के लोगों से जुड़ पाए. वो नेटवर्किंग एडवाइस देते हैं, गाइडेंस ऑन बिल्डिंग प्रोफेशनल कनेक्शन. पर्सनल कनेक्शन की बात नहीं हो रही, आप प्रोफेशनल कनेक्शंस कैसे बनाते हैं, आप किस तरीके की मीटिंग में जाएं, आप किस तरह के सेमिनार्स में जाएं, वर्कशॉप में जाएं, जहां पे आपका प्रोफेशनल कनेक्शन एनहैंस हो, आप अपने तरह के लोगों के साथ उठ बैठ सकें, उनसे सीख सकें कि यहाँ पे क्या हो रहा है. अगर इफ आई एम ऑन लेवल 1, हाउ कैन आई रीच लेवल 10, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन. तो आपको कोई मेंटोर मिल जाता है इस तरह के नेटवर्क सेटिंग में. नेटवर्किंग इवेंट्स के बारे में काउंसलर आपको बताते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड मेंटोरशिप फैसिलिटीज के बारे में बताते हैं. काउंसलर सिर्फ आपकी हैंड होल्डिंग नहीं करता है, आपको आपके जहाँ पे आप जाकर एक्सेल करेंगे वहाँ तक की हेल्प वो करता है और फैसिलिटेट करता है वैल्यूबल रिसोर्सेज एंड एक्सपैंडिंग प्रोफेशनल नेटवर्क पे कि आपको इस तरीके की सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, वर्कशॉप्स अटेंड करने चाहिए, किस तरीके के लोगों के साथ आपको मिलना चाहिए, कौन से लोग आपको मेंटोर कर सकते हैं, ये सारी चीज आपको काउंसलर करती है, प्रोवाइड करती है. और ये ऑन गोइंग असिस्टेंस होता है काउंसलर का, जब वहाँ पे आपको एक ऐसे पॉइंट पे लाकर आपको काउंसलर हेल्प करता है जहाँ पे फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द नेक्स्ट राइट मूव. सो सो इम्पॉर्टेंट दिस इज. नाउ देर इज अ केस स्टडी विच आई हैव टेकन फ्रॉम सीबीएसई हैंडबुक. दिस सेज दैट रीमा क्लास, ये केस स्टोरी है समझने की कि कैसे कैसे स्टोरीज काउंसलर के पास आते हैं. रीमा क्लास 12 पास्ड आउट स्टूडेंट फ्रॉम मेडिकल स्ट्रीम इज फॉन्ड ऑफ स्टडिंग बायोलॉजी. हर गोल वॉज टू बिकम अ डॉक्टर. शी वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजीजेज एंड देयर ट्रीटमेंट. शी यूज टू सर्व द वेबसाइट ऑफ वेरियस हॉस्पिटल्स एंड ऑफन ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द यू नो शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर. और वो उसको मेडिकल प्रोफेशन में आना था बट शी कुड नॉट डू वेल इन द एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिकल कॉलेज. बहुत ही कॉमन सा केस है कि बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है, उसका ड्रीम है कि हम मेडिकल सेटअप में काम करें, बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाती है और एडमिशन एमबीबीएस में नहीं होता है. बट वो काउंसलर से मिलती है और काउंसलर बोलता है कि आपको तो मेडिकल फील्ड में करना है, तो आप इस पॉइंट पे वो शी हैज मेट अ काउंसलर. तो वो उसको बोलता है कि आप बीडीएस में ट्राई करें और उसको एडमिशन मिलता है रिनोन डेंटल कॉलेज में, जहाँ पे उसके इवैल्यूएशन के बाद ये पता चला कि मेडिकल करना उसका एम था, उसका एमबीबीएस या बीडीएस में डिफरेंस नहीं था. तो ये नहीं हुआ कि उसने एमबीबीएस छोड़ने के बाद यू नो शी वेंट फॉर बीएससी. उसको एक काउंसलर ने बोला कि आपको मेडिकल फ्रेटर्निटी में ही रहना है, प्लीज ट्राई फॉर बीडीएस इफ एमबीबीएस इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर. तो उस बच्ची ने बीडीएस में ट्राई किया एंड शी गॉट एडमिशन इन अ रिनोन्ड डेंटल कॉलेज. Rather than trying for one more year, she explored other options. She secured her seat in BDS. Now she is pursuing BDS and doing her best in it. ठीक है? She is happy. She is content. She has explored herself. She is now content as it is one of the best medical field which was always her passion. अब उसको medical field में आना था. Now she is in the part. तो उसने सही time पे guidance seek. उसको ये समझ में आया कि उसको medical fraternity में आने हैं. ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे जब एमबीबीएस नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो वो सिंपल बीएससी वगैरह कर लेते हैं. तो हमें उस टाइम पे वेरी सिंपल केस जहाँ पे उसको ये बोला गया कि आपका काम, आपका उसका ओरिएंटेशन क्या था, उसको मेडिकल फ्रेटर्निटी में आना था. नाउ शी इज वेरी कॉन्टेंट क्योंकि उसका क्या था, उसका एप्टीट्यूड क्या था, उसका एप्टीट्यूड था टू इंटर दिस फील्ड, तो वो बीडीएस करके भी इंटर कर सकते. नाउ देयर इज अनदर केस स्टडी करण, वेरी दिस इज वेरी रेलेवेंट, दिस स्टोरी इज वेरी आज के बच्चों के लिए बिल्कुल मैच करती, अलाइनमेंट में है. करण पास 12th इन ह्यूमैनिटीज, बीइंग नॉट वेरी गुड इन एकेडमिक्स, ही जस्ट मैनेज्ड टू गेट पासिंग मार्क्स इन क्लास 12th. ही वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एंड एट स्कूल लेवल पार्टिसिपेटेड एंड वन वेरियस आर्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है, उसको आर्ट्स में इंटरेस्टेड था, उसने बहुत सारे पार्टिसिपेशन भी किए थे आर्ट कॉम्पिटिशन में जिसमें उसने हमेशा अच्छा किया, बट उसको पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है. दिस वॉज नेवर अप्रिशिएटेड बाई हर पेरेंट्स हु आर डॉक्टर. डॉक्टर के बच्चा आर्ट्स कर रहा है और आर्ट में अच्छा कर रहा है तो ये अप्रिशिएटेड नहीं था. आफ्टर क्लास 12th ही डिड हिज ग्रेजुएशन इन इंटीरियर डिजाइनिंग. 12th के बाद उसने ग्रेजुएशन किया है इंटीरियर डिजाइनिंग में अगेंस्ट हिज पेरेंट्स विशेस. पेरेंट्स को नहीं पसंद था, उसने तब भी किया. He did fairly well in his graduation and participated in exhibition of designing. बच्चे का क्या है, सारा का सारा orientation किधर है, exhibition और designing में. तो उसने एक exhibition किया designing में अपने parents के will के against. इस exhibition में क्या हुआ कि इसको बहुत appreciation मिला. क्यों? क्योंकि बच्चे का interest, personality, attitude सब कुछ art में था. और एक foreign based company ने उसको hire कर लिया Italy में, ठीक है, with a handsome salary. Now he's happy, satisfied and flying to Italy. तो हम पेरेंट्स के प्रेशर में या
पीयर के प्रेशर में या समाज क्या कहेगा उसके प्रेशर में कोई करियर नहीं ले सकते हैं। हम उसी में लेंगे जिसमें हमारी पर्सनालिटी है, हमारा एप्टीट्यूड है, हमारा इंटरेस्ट है। सो व्हेन यू डू दैट, आपको यू विल ऑलवेज बी कंटेंट एंड आपको यू विल लीव अ लीड अ लाइफ ऑफ एक्सीलेंस। ये दो केस स्टोरी हमें ये बताती है। तो की मैसेज क्या है यहाँ पे? की मैसेज ये है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट अ करियर बिफोर द करियर डिसीजन। आपको करियर जो होगा उसके शूज में कुछ टाइम बिताना होगा, इसीलिए इंटर्नशिप को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि बच्चा जब इंटर्नशिप करता है तो उसको समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसे टर्न आउट करने वाली है, ऐसी लाइफ होने वाली है, तो वो डिसीजन लेता है येस और नो में। दूसरा है कि वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी। क्या होता है, बहुत सारे प्रोफेशन है, बहुत हार्श कंडीशंस होती है वर्किंग की। आपको नाइट ड्यूटीज करना रहता है, आपको रात में जागना होता है, दिन में सोना होता है, इरेटिक आवर्स होते हैं, तो वो भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। द वर्किंग कंडीशन एंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी परफॉर्म शुड बी टेकन इन टू अकाउंट वाइल सिलेक्टिंग द करियर ऑफ चॉइस। बच्चे को आप बिल्कुल बता दें कि ये वर्किंग कंडीशन होगी, ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ताकि उसके लिए कोई झटका ना हो, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो। जब हम लोग प्रिपेयर होते हैं कोई चीज को करने के लिए, एक्सेलेंस होता है। एट टाइम्स मिस इन्फॉर्मेशन, वेरी रैम्पेंट मिस इन्फॉर्मेशन तो बहुत होता है। दो पड़ोसी ने कुछ बात बोल दी, आपके दिमाग में बैठ गई कि हाँ यही सच है, आपने रिसर्च इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं उसके ऊपर कलेक्ट। एट टाइम्स मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट अ करियर कैन लीड टू अ रॉन्ग चॉइस विच मे मेक द इंडिविजुअल अनहैप्पी। आपने बहुत बार क्या होता था, साइंस नहीं हो पाएगा, साइंस नहीं हो पाएगा, तुम आर्ट्स ले लो, आर्ट्स ले लो। बच्चे ने आर्ट्स ले लिया कि ईजी होगा, अब उसको लग रहा है कि बट आई वॉज मेड फॉर साइंस। तो आपको जब तक कंप्लीट जानकारी नहीं होगी, अब बच्चा इस स्टेज पे जहाँ पे वो खुद से कंप्लीट जानकारी नहीं ले सकता है, तो एज पेरेंट एज स्टेक होल्डर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बच्चे को करियर गाइडेंस कराते हैं या करियर काउंसलिंग कराते हैं, ताकि वो लेटर ऑन इन लाइफ अनहैप्पी किसी भी तरीके से ना हो। वो एग्जैक्टली वो क्या है, वो उसी करियर चॉइस को, उसी करियर पाथ को अपनाए। करियर इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग करियर गाइडेंस टू स्टूडेंट्स। अगेन सेम पॉइंट, करियर इन्फॉर्मेशन कंप्राइजेस ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट्स। आपको ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, इस रोल को प्राप्त करने के लिए क्या क्या एजुकेशन, क्या क्या डिग्री चाहिए होगी, कौन कौन सा डिप्लोमा, कौन कौन सा सर्टिफिकेशन कोर्स करना होगा। एंड द थर्ड, पर्सनल एंड सोशल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपकी कैपेबिलिटी, आपके पेरेंट्स रेडी हैं ये चीज करने के लिए, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको फंडिंग मिलेगी, आपको अलाउ किया जाएगा घर से बाहर जाने के लिए, ये सारी तीन चीज आपके पास होती है, तो आपको कंप्लीट करियर इन्फॉर्मेशन यू हैव। नाउ द लास्ट इज करियर इन्फॉर्मेशन विच इज एक्यूरेट। अब ये ना अगल बगल के लोग कुछ ना बोल दें, तो आपके पास जो करियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो एक्यूरेट, शुड बी एक्यूरेट, रिलायबल एंड वैलिड। ये तीनों चीज आप जरूर देख लें, स्टूडेंट्स को जरूर बताएं कि जो भी आपने सोर्स से इन्फॉर्मेशन लिया वो एक्यूरेट, रिलायबल एंड वैलिड होगा, तभी बच्चा राइट डिसीजन ले पाएगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्क। नाउ आप जब भी करियर ऑप्शन लेते हैं, कोई भी, व्हाटएवर यू टेकिंग, बच्चे को जरूर बताएं कि किस तरीके की लाइफ तुम लीड करोगे। क्योंकि इस पॉइंट पे ना डॉक्टर बोल देना या फाइनेंशियल प्लानर बोल देना या कंटेंट राइटर बोल देना बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, बट आपको वो जिंदगी जीनी होगी। तो जो वर्ल्ड है ऑफ वर्क का वो जरूर पता हो। जैसे हमें क्या लगता था, टीचिंग का जॉब बहुत ईजी होता है, हम जाते हैं पढ़ाते हैं घर आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। वी टीचर्स नो इट्स नॉट ईजी। ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है, 24/7 की जॉब होती है। तो ये अगर हमें पहले बताया जाता तो हम ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं, और विद 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग और भी हम लोगों के ऊपर काम है, तो हमें ये बात पहले नहीं पता थी, अब हमें पता है। तो अगर हमें इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले से होती कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो हम लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं, हमारे लिए कोई भी चीज अचानक से नहीं हुई होती। तो हम बच्चे को जरूर बताते हैं कि वर्ल्ड ऑफ वर्क क्या है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एंड द वर्किंग कंडीशन क्या क्या होगा। यू नो यू बिकम एन इंजीनियर और आपको प्लांट्स में जाना होगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको किस तरीके के माहौल में रहना होगा। आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको कहाँ जाना होगा, वर्किंग कंडीशन क्या होंगे। मेनी अ टाइम्स आप पेट्रोलियम के इसमें काम करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट में आपको दिन दिन भर काम करना रहता है, आप बैठ नहीं सकते, आपको हेलमेट्स लगा के करना है काम, बहुत बार बर्न का केसेस हो जाता है। तो क्या उस तरीके की चीजों के लिए आपको प्रिपरेशन है कि नहीं, और डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब टाइटल एंड देयर ड्यूटीज, और जॉब टाइटल और उनकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी, आपको क्या क्या करना होगा, ये भी आप बच्चे को पहले ही से करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में बता देते हैं। अब इस पॉइंट पे बच्चे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव काइंड ऑफ थिंग दैट अ चाइल्ड शुड बी इक्विप्ड विद, सो दैट ही इज नॉट सरप्राइज्ड एंड उसके लिए कोई भी अनप्लेजेंट सरप्राइज नहीं आ जाए, ही इज कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। तो बच्चे को जरूर पता होना चाहिए कि
जॉब टाइटल, किस तरीके के जॉब टाइटल के लिए वो एस्पायर करेगा, एजुकेशनल पर्सनल रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या क्या होंगी, इसमें घुसने के लिए, इस करियर में घुसने के लिए मेथड ऑफ एंट्री क्या होगी, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, किस तरीके के वर्क के लिए वो सोच रहा है, क्योंकि हर वर्क क्या होता है, हमें हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा, एक एसी का रूम होगा और हम सिर्फ पेपर कलम चलाएंगे. लाइफ इज नॉट दैट, दैट इज अ लाई. हम लोगों को बहुत से बेसिक से ऊपर हम लोग जाते हैं, तो हम लोग कोई भी मीडिया के होक्स में ना आ जाएं, बिल्कुल एग्जैक्टली रियलिटी चेक किया है, व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन व्हेन इफ आई टेक अ करियर, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेज. इवन इन सिविल सर्विस कितने कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो जाती है, आउटस्कर्ट्स ऑफ शहर में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, ऐसी ऐसी जहाँ लाइट भी नहीं होता है, पंखा भी नहीं होता है, और वहाँ हो जाती है, बट आप क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा सिविल सर्विस में है. बट किस तरह की कंडीशन होती है, ये आपको बच्चे को पहले ही से ज्ञात करा देना है इसका. फिर नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, व्हाट एग्जैक्टली विल बी डिमांडेड आउट ऑफ यू, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, चैलेंजेस क्या क्या आएंगे. हम लोग बच्चे को चैलेंजेस नहीं बताते हैं कि क्या क्या आएंगे, तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होती है, आपको एग्जैक्टली बताती है कि बच्चे को क्या क्या चैलेंजेस आएंगी, सो दैट द चाइल्ड अपने स्किल को, अपने रेजिलियंस को, अपने अंदर जो भी ग्रिट है, स्टील है, उसको तैयार रहे कि अच्छा आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस रोल. उसकी अर्निंग क्या होगी, ये भी उसको जरूर पता होना चाहिए कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड, जॉब मार्केट ट्रेंड क्या है, कि इसकी अगर इफ यू टेक दिस जॉब, दिस इज द अर्निंग, सो इफ यू आर एबल टू डू दिस कोर्स इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो उस टाइम आपकी स्पेकुलेटेड अर्निंग क्या होगी, इसके बारे में आप जरूर बताएं. और एडवांसमेंट क्या है इस क्षेत्र में, क्या क्या एडवांसमेंट है और कितना स्कोप है इसका, ये सारी जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चे को, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग देती है. अब इसमें ये कहते हैं कि जो की मैसेज है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द जॉब टाइटल एंड ड्यूटी ऑफ अ वर्क. हम भी जहाँ पे काम करते हैं, टीचर्स ऑल्सो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जॉब टाइटल क्या है और व्हाट इज एक्सपेक्टेड, व्हाट एग्जैक्टली इज आर रोल, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस. तो बच्चे को भी वाइल जब करियर गाइडेंस एंड काउंसिलिंग वो करता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग उसकी होती है. द जॉब टाइटल विल इंडिकेट द नेचर ऑफ वर्क एंड वर्किंग कंडीशन इंक्लूड फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट. बच्चे को क्या क्या फिजिकल इन्वायरमेंट मिलेगा, साइकोलॉजिकल किस तरीके के लोग होते हैं वहाँ पे, और किस तरीके का सोशल इन्वायरमेंट होगा, इस बच्चे को एक होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. बच्चे को आप कर जैसे कि हमने इस पहले के स्लाइड में बोला, ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनल सोशल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल होनी ही चाहिए. अब बच्चे कुछ रॉन्ग रीजन से कुछ कुछ स्ट्रीम चुन लेते हैं, वो क्या है, बिल्कुल एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, अगर वी आर डीलिंग विद दोस किड्स जहाँ पे वो करियर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो हमें ये जरूर उनको बता देना चाहिए कि मार्क्स हर चीज का इंडिकेटर नहीं है. बहुत बार मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं, मेनी अ टाइम्स मार्क्स बहुत करेक्ट इंडिकेटर नहीं होता है. तो मार्क्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, हमने इंग्लिश में अच्छा लाया है तो जरूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश में ही कुछ लेना है. अगर हमारा एप्टीट्यूड कहाँ है, हमारा पर्सनैलिटी कहाँ है, इंटरेस्ट कहाँ है, वो पहले हमें देखना है, ना कि मार्क्स देखना है. फैमिली के इन्फ्लुएंस में या फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, बिकॉज जीना है आपको उस करियर ऑप्शन के साथ, उस लाइफ के साथ आपको जीना है, आपकी फैमिली या फ्रेंड्स को नहीं जीना है. फैंसी या फिक्टिश रीजंस नहीं होने चाहिए. हमने कोई फिल्म में किसी कैरेक्टर को देख लिया, वो कंटेंट राइटर है, तो हम पीछे पड़ गए कि हमें कंटेंट राइटिंग करनी है, वो नहीं है. मनी एंड फेम विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस. आपको लगता है कि मनी एंड फेम इसमें बहुत है, इसलिए ये करियर ऑप्शन लेना चाहिए, तो देन दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिली थिंग टू डू. क्योंकि इफ यू आर एक्सेलिंग, इफ यू आर वेरी गुड एट समथिंग, इफ यू आर रेडी टू पुट ऑल योर हार्ड वर्क, इफ यू हैव ऑल योर इंटरेस्ट, इफ योर पर्सनैलिटी इज अकॉर्डिंग टू इट, मनी एंड फेम विल ऑटोमेटिकली कम. तो 3 इडियट्स का डायलॉग है कि पैसे के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा. ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप किसी चीज में 100% देते हैं, हार्डवर्क करते हैं और आपका सारा चीज उसके ही लिए बना है टेलर मेड, तो ऑब्वियसली दीज आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ एनीथिंग. नाउ स्ट्रैटेजीज एंड रिसोर्सेज फॉर इम्पार्टिंग करियर इन्फॉर्मेशन. जहाँ पे आप, अब बच्चा आपसे पूछेगा कि भाई बहुत अच्छी बात होती है करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग, बट हमें मिलेगी कहाँ से? करियर टॉक्स आपको मिलेगी, आपको करियर क्विज मिलेगा, करियर कॉन्फ्रेंस होती है, करियर फेयर होता है, करियर टूर होता है, नोटिस बुलेटिन बोर्ड पे आप जरूर अपने स्कूल में लगाएं, प्रोजेक्ट वर्क जरूर कराएं, जहाँ पे आपको कहीं भी जहाँ करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस CBSE प्रोवाइड करता है, बच्चे उसको जरूर अटेंड करें ताकि उनको नेसेसरी हेल्प मिले. दिस इज अगेन अ समरी ऑफ द एंटायर सेशन. आई विल एंड इट विद दिस स्लाइड. थिंग्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन चूजिंग अ करियर.
एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन जरूर देखें कि इंस्टीट्यूशन जहां से बच्चा करियर अपना परस्यू करना चाह रहा है वहां पे एक्रेडिटेशन है कि नहीं, वहां जॉब प्लेसमेंट होता है कि नहीं. ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कोई भी जगह पे आप मत डाल दें बच्चे को. ये जरूर देखें कि बच्चा ये सारे पॉइंट्स के ऊपर जरूर ध्यान दे रहा है जब वो करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए जा रहा है, कि वहां जहां से वो करियर ये कोर्स करना चाहता है या जहां से वो अपना करियर को फॉरवर्ड ले जाना चाहता है वहां पे जॉब प्लेसमेंट रेट्स हैं कि नहीं, कोर्स कंटेंट जो है वहां का बढ़िया है कि नहीं, वहां से किसी बच्चे ने ऐसा पढ़ा है जहां से उसका प्लेसमेंट हुआ है, कोर्स कंटेंट के बारे में आपको फीडबैक ऑनलाइन मिलता है या एलुमनाई से मिलता है, ये जरूर देखें. इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है एंड हैंड्स ऑन अपॉर्चुनिटीज देता है कि नहीं, ये सारी चीज जब बच्चे को पता होगी वाइल लुकिंग फॉर अ करियर एट एन इंस्टीट्यूशन थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर. कॉस्ट एंड फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप, अगर किसी बच्चे में कैपेबिलिटी नहीं है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट होने की तो स्कॉलरशिप की वहाँ पे गुंजाइश है कि नहीं, ये सारी चीजें. और कोर्स अफिलिएशन एंड एक्रेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन ऑल दीज सिक्स पॉइंट्स आर क्लियर इन अ करियर गाइडेंस एंड अ करियर काउंसिलिंग प्रोग्राम देन द चाइल्ड कैन टेक द नेक्स्ट लीप. सो आई वुड लाइक टू एंड माई सेशन हियर. अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बींग विथ मी फॉर एन आवर. थैंक्स अ लॉट.